अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमना हसनैन। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग फाइन। आज हमारा क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन टू है, और पहले तो सब लोग जो पिछले सेशन में थे और उन्होंने वीडियो देख लिया, जो हमने वीडियो जिसके ऊपर काम करना था या उसको देखना था, उसको नोट करना था, उसकी हाइजीन नोट करने के लिए बेसिकली मैंने कहा था, वो अपने हैंड रेज कर लें और पहले उनसे बात कर लेते हैं। उनके कोई क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके हाइजीन के ऊपर और वीडियो के ऊपर ज्यादा जाते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारे पास जिसने वीडियो देखी हुई थी, देख ली है? नो वन। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है तो हम लोग किस तरह उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं? आपको तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगेगा, समझ आएगी। जिसने देख लिया अपने हैंड रेज कर लेना, मैंने कहा है। अच्छा, चैट में आप लोग बता रहे हो। समझ आई नहीं आई कोई बात नहीं, जितनी समझ आई है वो मसला नहीं, आज हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने दो फैलेसीज की थी, फैलेसीज होती क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, और एक वीडियो देखने का कहा गया था। जिन्होंने देख लिया है, अच्छा शैला प्लीज अनम्यूट करें। शैला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लास्ट सेशन मैंने अटेंड किया था। अच्छा, मैम लास्ट सेशन मैंने आपका अटेंड, जो वीडियो आपने और सर वसीम ने लेक्चर दिया था वो वाली तो देखी थी मैंने। अच्छा नहीं, सर वसीम वाला नहीं, अहमद ने और मैंने लास्ट जो सेशन सैटरडे वाला आप बात कर रही हैं या ये जो वेंसडे वाला? जी जी दोनों सेशन मैंने ज्वाइन किए। अच्छा दोनों सेशन ज्वाइन किए। जो सैटरडे वाला सेशन था वो क्रिटिकल एनालिसिस का था ना? जी, तो फर्स्ट वाला वो मैं ठीक है, कंप्लीट करें बात। जी फर्स्ट वाला जो क्रिटिकल एनालिसिस वाला था वो भी अटेंड किया था, उसके बाद जो दूसरा हमने शख्सियत वाला किया था वो भी अटेंड किया था। उस दिन भी मेरे क्वेश्चंस रह गए थे जो मैंने पूछने थे, तो मैंने कहा आज वो मैं क्वेश्चंस पूछ लूं और आप वीडियो के लिहाज से कोई बात पूछें तो मुझे याद आ जाएगी। अच्छा ठीक है, पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जो वेंसडेज वाले सेशन है उसके क्वेश्चंस आपने वेंसडे को ही करने हैं, ठीक है? जो सैटरडे वाले सेशन है उसके क्वेश्चंस सैटरडे को करने हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास अगर जो पिछले सैटरडे का कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे करेंगी, जो वेंसडे वाली क्लास का जो जो सेशन जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के वो अगले स्किल डेवलपमेंट में ही आपने करने हैं, ठीक हो गया? या फिर रैंडम अभी हमने फीडबैक सेशन भी हम रखेंगे, जरा दो चार सेशन इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम फीडबैक सेशंस रखेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर और सिर्फ इंटरेक्शन होगा। ओके मैम। तो आपके पास जो उसके क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस है वो आप बिल्कुल करें, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है ये, ठीक है? तो नो मैम, स्किल्स का है मैम। अच्छा, तो फिर वो आप वेंसडे को कीजिएगा क्योंकि वो फायदा नहीं है ना, इररिलेवेंट है इस आज के सेशन। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और किसी ने वीडियो देखी है? जिसने देखी है मैं, अच्छा आपने वीडियो देखी है शैला? अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट पे ही रहे। नो मैम, अब वीडियो मैंने नहीं देखी, जो वीडियो ग्रुप में शेयर हुई है वो देखी है मैंने। क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू जो आई थी वो आई थिंक डिलीट हो गई है ग्रुप में से, डिलीट हो चैट में आई में थी ना? जी जी, और फॉर्म भी जब तक हमने उसको फिल करने लगे थे तो पता नहीं कैसे वो चैट में से डिलीट हो गई थी। चैट में से डिलीट हो गई थी? नहीं, अच्छा तो आपने अपने वो किसी कैप्टन से या कोऑर्डिनेटर से पूछना था? ओह दैट्स माय मिस्टेक। ओके ओके ओके, एक मिनट, मेरी स्क्रीन लगता है मुझसे शेयर नहीं हो रही, फिर से करते हैं शेयर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है?
चलो आप अनम्यूट पे ही रहिएगा, ठीक यस है। अच्छा हमारे पास और कौन है? अब्दुल, एमपी अब्दुल। प्लीज अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, ये फैलेसीज के बारे में था पिछले वाले सेशन में। जी जी फैलेसीज ना समझ नहीं आई थी, जरा दोबारा एक दफा फिर जरा समझा दीजिएगा। ठीक हो गया। फैलेसी क्या होती है ये समझ नहीं आया था, या जो फैलेसी हमने करवाई थी वो समझ नहीं आई थी? मैम सारा वो मैंने जरा अटेंड नहीं किया था, तो उसके बाद आके किया था, तो जरा सही तरह समझ नहीं आई थी। रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आई आप कह रहे हो? हाँ जी ठीक है ठीक है, चलें अभी आज के सेशन में देख लेते हैं अगर आपको पहले से ही समझ आती है। रिजवान प्लीज अनम्यूट करें। जिनको मैं अनम्यूट करती हूँ वो प्लीज थोड़ा अनम्यूट ही डाल करें। मेरे वीडियोस देखी थी मैंने, वीडियोस देखी थी, मुझे ज्यादा समझ में आया, लेकिन दो पॉइंट्स में समझ में आए थे। ठीक वो है, पॉइंट ये था कि ये इन्होंने मुसलमानों को जो जज जज किया, यानी बुरके को जो वेल्स था उसको जज किया, वो ये कि इंडोनेशिया में तुर्की में तो ये लोग जो पहनते हैं, जो लोग नहीं पहनते हैं, तो वही जज करते हैं कि नहीं इस्लाम यही है जो ये लोग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कुरान को हदीस को और रिसर्च नहीं किया हुआ है, बस ये अपने रूल्स को लागू करने के लिए बस वो मिसाल दे रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है तो तुम भी ऐसा करो। ओके और दूसरा पॉइंट ये था कि ज्यूज से रिलेटेड था, जो इन्होंने कहा कि 20% लोग कर रहे हैं, तो उधर से जो एंकर था वो बोलता कि क्या 20% ज्यादा नहीं है? तो ये कहती कि अच्छा 20% ज्यूज के साथ ये मामला हुआ था, तो फिर वो ज्यूज से रिलेट कर गए टॉपिक को, वो भड़का करके अपना जो वो था क्या बोलते हैं उसको पॉइंट इनको प्रूफ करना था, वो ज्यूज की तरफ मूव कर दिया लेडी ने उधर बैठी हुई है। सही, दो ये दो पॉइंट। ठीक है, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आया है, कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बारे में इंटरव्यू हो रहा था और हाँ, क्या क्या पॉइंट बात वो कर रहे जो थे। मुखा बैंक था वो उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट जो किया था, पहले इन्होंने वो लॉस है जो उनका लॉ दिया हुआ गया था, सबको आजादी है कपड़ा पहनने की, सब सारी चीजें करने की, लेकिन फिर उससे वो हट रहे थे, कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब हमारे लिए आजादी है तो फिर आप क्यों ऐसा करेंगे, तो ये सारी चीजें उसी पर डिस्कशन हो रही थी। ठीक है ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं। हमारे पास है गुलरेज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी गुलरेज, वीडियो देखी आपने? मैंने वीडियो देखी है, एंड देयर वर मल्टीपल फ्लॉज, दे वर लिंगरिंग अराउंड द स्टेटमेंट्स। तो मैं आपको इन लेडी का एक फ्लॉ बता देता हूँ, ये जो बैठी हुई है, इन्होंने कहा कि कुरान के अंदर देयर इज नो सर्टेन ड्रेस रिकमेंडेड दो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेल। सो मुझे लगा कि भाई जब कोई ड्रेस का एक सर्टेन रिकमेंडेड नहीं है तो फिर उसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्यों ले रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इन दैट केस हिजाब निकाब जिलबाब वट एवर द ड्रेसेस वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है रादर देन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में लेने के, क्योंकि वहां सिर्फ वेल मेंशन्ड है। अब ये तो किसी लेडी पे डिपेंड करता है द वे शी अंडरस्टैंड्स व्हाट वेल मींस, और उनकी अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आएगी उनकी। लेकिन आपने ये भी तो नोट किया होगा ना, उसने ये भी तो कहा कि इस्लाम में वेल इज कंपल्सरी और इट्स अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल सिंबल है इनका। शी आल्सो सेड दिस। So, political symbol never. Political symbol, politics. How is it in politics? Like, yeah, that वो तो counter है ना, वो तो हम counter करेंगे ना कि how है या नहीं है. But why they banned hijab is कि उन्होंने कहा कि hijab हमारे state में ban है. आप लोग freedom expression है, आप करो. फ्रीडम आपको है आपके कल्चर में, आपके जो है ना ये क्या उसे कहते हैं स्पीच में, आपको वो कह रहे घर में स्टेट के उसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा नहीं वो पब्लिक सर्विस में नहीं आ सकते अब, उन्होंने कहा था। तो ये जो ओल्ड मैन बैठे हुए हैं इन्होंने कहा इनका प्रेसिडेंट हिजाब के ऊपर बात कर सकता है कहीं पे भी जाके आउट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
बट इन पब्लिक सर्विस कोई लेडी हिजाब पहन नहीं सकती, ये कौन सी सेंस बनाता है? मतलब वो कोई भी बात कर सकता है कहीं भी, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कोई मुस्लिम लेडी नहीं कर सकती हिजाब, क्योंकि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिवोर्स कर दिया इन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कोई मुस्लिम, अब देखें आप वही बात है कि स्टेटमेंट, दे नेवर सेड कि आप लोग हिजाब नहीं कर सकते, दे ओनली सेड कि हमारे स्टेट में, हाँ पब्लिक सेक्टर, आपने वहाँ पे स्टेट अफेयर्स में नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग कि आपको मना कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि कोई भी रिलीजियस सिंबल्स वहाँ पे, टर्बन भी बैन है, आपको पता है वो जो सिखों की पगड़ी होती है वो बैन है, वो भी नहीं आप, बट मैं ये कह रहा हूँ वो रिलीजियस सिंबल तो इन दैट केस होगा ना जब इस्लाम उसको डिफाइन करता हो कि नहीं वुमेन हैज टू वेयर हिजाब, या फिर कोई एक सर्टेन ड्रेस रिकमेंड करता हो। ये तो यहाँ पे ये चीज आएगी ना, हाउ डज ए लेडी टेक्स वेल, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वेल को लेके। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट वही बात आ जाती है कि क्रिटिकल एनालिसिस में जब आप फिर अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं, आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट इतना प्रिसाइज और इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप लाइक आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमारी वही बात है ना, हम दोनों की वो थिंकिंग एक है भाई, अब उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, आपके वर्ड्स और आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। जब पॉलिटिकल इसको सिंबलाइज किया तो व्हाट डज दैट मीन, कि कोई लड़की हेड स्कार्फ के अंदर कोई बॉम्ब लेके आ जाएगी टू जस्ट इंप्लीमेंट इस्लाम और शरिया लॉ? दैट इज नॉट अ पॉइंट गुलरेज, दैट इज नॉट अ पॉइंट, द पॉइंट दे आर रेजिंग इज एज अ पॉलिटिकल सिंबल, they are saying it's a symbol of Islam. अब ये इस्लाम का सिंबल है या नहीं है? Sorry? सिर्फ इस्लाम का तो नहीं है, इस्लाम का सिंबल नहीं है हिजाब, सिर्फ इस्लाम का नहीं है, नहीं है ये आप जो प्री मॉडर्निस्टिक साइकोलॉजी और फिलोसफीज हैं इससे पहले का वेस्ट उठा के देखें, women covered their heads. Yeah, so they are saying अगर I understand, yes, 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 you got a point. उससे पहले और even Christianity के अंदर nuns और Jews में orthodox जो हैं उनके वो तो कर रहे हैं, उन वहाँ भी तो है. But they are even, they are not allowed, they are not allowed in their state also. France की state में nuns का भी वो allowed नहीं है हिजाब, और ज्यूज का यामका भी अलाउड नहीं है, मुझे होता है ना सर पे रखते हैं यामका, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, तो ये दोनों चीजें भी अलाउड नहीं है, तो देन दे हैव टू जस्ट डिफाइन दैट उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या, व्हाट डू दे मीन बाय दैट? या सो फॉर दैट वी नीड टू रीड एंड यू नो रिसर्च ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये लॉज कब बने थे, क्यों बने थे और किस बेस पे बने थे. यहाँ पे आ जाता है कि आप जब एक कोई भी आप इंटरव्यू सुनते हो तो आपको नहीं पता होता कि अगला बनता, क्योंकि वो सिर्फ हमें जो जो ऑपोजिट पार्टी है वो सिर्फ हमें गलत साबित करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बैठे हैं और वो उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं. नाउ वी नीड टू सी कि वो क्यों, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्यों करते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है. उनको कोई मुसलमानों से नफरत तो नहीं है, मतलब है या नहीं है वो तो खैर हमारी बात नहीं है सोचने वाली. लेकिन मैंने एक सेकंड, मुझे अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, मैंने इनके आर्गुमेंट के अंदर जो फ्लॉज निकाले हैं वो क्यों निकाले हैं मैं आपको बताता हूँ. वो फ्लॉ इस तरह से है क्योंकि अभी हमने जो बुक पढ़ी आस्किंग द राइट क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये बात है लिखी हुई कि अगर आपका कंक्लूजन आपके रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, देन यू हैव टू डिवोर्स द कंक्लूजन, क्योंकि वो गलत है. सो अब आप खुद सोचते हैं ना कि बात यहीं पे आई, जब वो कह रहे हैं जो भी हेड कवरिंग है या व्हाटएवर इट इज, वो इस्लाम डिफाइन नहीं करता कोई ड्रेस कि आपने जलबाब करना है, आपने निकाब करना है या आपने हिजाब करना है. वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है एक मुस्लिम लेडी के, दैट हाउ डज शी टेक्स, हाउ व्हाट इज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड वेल, जिलबाब जहां पे अहजाब के अंदर है. अब वो जिस तरह भी कर रही है उसको डिफाइन या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. या ऑफ कोर्स ये जो हानिया थी इसका पॉइंट ही यही था,
इफ यू लिसनड, बस वही बात आ जाती है. देखें अब इसको काउंटर करना ना करना या इसकी हिस्ट्री निकालना या इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाना, वो अभी हमने यही करना है क्रिटिकल एनालिसिस में, जो कि हमने बनाए भी हुए हैं, लेकिन मैं आपको वो वाले काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं शो करने वाली. आई वुड वॉन्ट कि आप लोग पहले काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाएं. उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी वीडियो के हमने प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स साइड पे करने हैं. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स मतलब जिस चीज के ऊपर बात हो रही है, और हर बंदे का एक प्राइमरी आर्ग्यूमेंट बनता है, एक वो क्या बन रहा है उसको अलग करेंगे, फिर उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे. उन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स की फैक्ट चेकिंग और वो सारा कुछ करके, वो सारा कुछ कह रही हूँ, फैक्ट चेकिंग करनी है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, उसकी हिस्ट्री चेक करनी, एंड देन वी विल क्रिएट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट. डोंट यू थिंक उन जो ये लेडी बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा था कि इनका कल्चर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट थिंग. या ऑफ कोर्स, नहीं आप बिल्कुल सही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रहे हो. एक और चीज मैंने नोट की है, मैंने तीन लोगों से अभी तक पूछा है. अगर उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें ना, अपने आर्गुमेंट्स को दे रहे हैं वो स्टेट, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करें. स्टेट किया है ना उसने, इसने किया है, ये जो क्या नाम है इसका, ये जो ये बैठा हुआ था, ये पार्लियामेंट का बंदा था, सॉरी इसका नाम है, ओके जैक, लेट्स कॉल हिम जैक. सो या इसने कॉन्स्टिट्यूशन ही रखा था आगे, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात की थी, एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स वाज रियली गुड. लेट्स स्टार्ट यू नो टुडेज टॉपिक. आज हम लोगों ने ना जो बात करनी, गुरुदेव आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि आपने जो है ना इसको वाकई में वीडियो को देखा है और समझा है, समझने की कोशिश की है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स को भी समझने की कोशिश की है. अब हमने ना करना ये है, आप यहाँ पे एक चीज लैक कर रहे हो, वो ये है कि स्ट्रक्चर. आपने उस पूरी इंटरव्यू का स्ट्रक्चर बना के आपने एक आर्ग्यूमेंट ठीक है पकड़ लिया. नाउ अच्छा आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट रहे गुलरेज. मुझे एक और बात बताएं, आपने हानिया के और जो यासिर है, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में क्या फ्लॉज देखे हैं? उनके आर्गुमेंट में फ्लॉस तो तब निकालूंगा ना जब उनको ज्यादा, आई पर्सनली थिंक उनको ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिया गया टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, वो लेडी हैं, वो क्या बता रही हैं कि वो 80-20 की रेशो निकाल रही हैं. अब मुझे समझ नहीं आती, जब बाकी स्टेट्स के अंदर एलजीबीटी को अलाउ करना होता है तो वहां पे 80% हमें मिलती है या 20% मिलती है एलजीबीटी वालों की तादाद. इट्स इन बिग माइनॉरिटी, बहुत माइनर तादाद है किसी भी स्टेट्स का, तो वहां वो अलाउ है. इवन दो उनके पब्लिक सर्विसेज में भी वो लेग वो गे लेस्बियंस अलाउड हैं, बट अब ऑब्वियसली यहां फ्रांस में भी होंगे. नो मैं बात जो कर रही हूं, अब यू नाउ यू नो रीट्रैकिंग. अब वो बात है ना कि जो मेरा क्वेश्चन ये था कि उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स, बेशक कम टाइम था ज्यादा टाइम था, उनके आर्ग्यूमेंट्स में फ्लॉ था या वो सॉलिड थे, व्हाट डू यू थिंक? अगर वो इनके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फ्लॉस पकड़ते तो मैं कहता ना, मुझे नहीं लगता कि उनके आर्ग्यूमेंट्स कोई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. ओके स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन फ्लॉस भी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? एक्चुअली वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ना अच्छा नहीं कर रहे थे. ठीक है, आज हमने जो बात करनी है, जो टॉपिक है हमारा, वो हाइजीन का ही है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइजीन. पहले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई, थोड़ा सा आप ये ओवरव्यू जरा पढ़ के और कॉन्टेक्स्ट बता दें, और जो जो यहाँ पे बात हुई हुई है ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू, किस कॉन्टेक्स्ट में ये इंटरव्यू हो रहा था, जो लोग हैं उनको जरा एक्सप्लेन करें. आई वुड वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन. प्लीज आप फिर म्यूट हो गए, प्लीज स्टे अनम्यूटेड. जी गुलरेज बताएं जरा सबको कि इस इंटरव्यू का जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था और किस बारे में बात हो रही थी. इट वाज बेसिकली अ डिबेट बिटवीन उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और हाउ डू दे डिफाइन दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट वेयर डज इस्लाम स्टैंड्स विद दैट एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू इवैल्यूएट कि हिजाब को बैन करना चाहिए या नहीं. टॉपिक ऑफ डिस्कशन जहां से स्टार्ट हुआ था, द फ्रेंच प्रेसिडेंट्स, वो जो स्टेटमेंट आई थी मैक्रोन की,
उसके ऊपर इन लोगों ने बात की थी ना, क्या स्टेटमेंट थी वो मैक्रोन जो है, जिसको नहीं पता वो फ्रांस का प्रेसिडेंट, वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ। तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके जिसकी बेस के ऊपर ये इंटरव्यू जो है, उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट है हिजाब का बैन होना या ना होना, और उसके ऊपर ये इंटरव्यू जो है ना कंडक्ट हुआ था, डिबेट हुई थी बेसिकली, इंटरव्यू नहीं था ये। तो वो स्टेटमेंट बताते हैं गुरेज साहब। एक्चुअली आई जस्ट डोंट रिमेंबर दैट। ओह ओके, इसको देख लेते हैं। एक तो ये रहा फार राइट मैगजीन, फार राइट और फार लेफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे। राइटिस्ट कौन से होते हैं और लेफ्टिस्ट कौन से होते हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं? यस, आई डिडंट हर्ड दैट प्रॉपर्ली, कुड यू रिपीट दैट? फार राइट और फार लेफ्ट जो पॉलिटिकल आप कह लेना उसमें क्या कहूंगी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं आपके गवर्नमेंट में कह लें या पॉलिटिक्स में कह लें, हाउ डू वी डिफाइन इट? मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहना चाह रही है, मतलब हाउ डू डिफाइन दैट टर्मिनोलॉजी? ये तो टर्मिनोलॉजी है ना, फार राइट की और फार लेफ्ट की, लेफ्टिस्ट कौन से होते हैं, राइट फार राइट वाले कौन से होते हैं, ठीक है? टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ना, तो इसको बिल्कुल बेसिक किसी एक बंदे को जिसको नहीं पता कि ये क्या होते हैं, राइटिस्ट कौन से होते हैं, लेफ्टिस्ट कौन से होते हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? कॉन्टेक्स्ट डिफाइन तो करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक व्हाट डू यू नो से बाय दैट? एक मिनट रुकें जरा, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। Actually, I was quite busy, so मैंने पिछले दो lectures नहीं लिए जो आपके हुए हैं। ये जो then it's okay, कोई मसला नहीं। I guess मैं, due to that I'm not able to understand these things. Okay, ये Zainab बताने वाली हैं। Zainab नाम है या Zainab? I don't know how to pronounce your name. Please unmute yourself और एक्सप्लेन करें, आपने राइटिस्ट जो है रिलीजियस का है, रिलीजियस है या ट्रेडिशनलिस्ट हैं, सबको एक्सप्लेन करें, लेफ्टिस्ट कौन से होते हैं, लिबरल्स, हाउ डू वी डिफाइन लिबरल्स? Zainab, कैन यू प्लीज अनम्यूट? नो, she's not unmuting. Acha, kal Zoom. It's okay, Zainab. Net nahi chal raha, koi baat nahi. Kal Zoom, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, kal Zoom. Kal Zoom, asaan lafzon mein batana hai, bilkul. Theek hai, taaki sabko samajh aa jaye. ये वीडियो मैंने बहुत थोड़ी देखी थी और इसमें बेसिकली यही होता है, और वीडियो से की बात नहीं कर रही, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होता है कि कुछ जो होते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग भी इसको बोला जाता है, या इस तरह, इन माय ओपिनियन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जैसे रिलीजन में भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेनर्स तालिबान को बोलते हैं वो लेफ्ट विंग वाले, जो रूल फॉलो करने में कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं, और राइट वाले जो राइट विंग वाले वो होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, और थोड़े बहुत मतलब चीज को देखते हैं वक्त के साथ चेंज करने। I know what you mean, but I just wanted कि सबको explain किया जा सके। अच्छा नेहा, can you right wing वाले? हाँ, it's okay कुसुम, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, मतलब आप explain करो। वालेकुम अस्सलाम। मैं simple words में बताऊंगी, मुझे English में बहुत ज़्यादा explain नहीं करना आएगा। Simply जो मैं समझी हूँ वो far right वही है जिस तरह के हमारे आबाओ अजदाद जो के एक सिस्टम पे चल रहे हैं, अपने हिस्ट्री पे चल रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज को, किसी लॉ को इधर से उधर ना करें, जो चल रहा है उसी पे रहना है। और जो फार लेफ्ट वो लाइक जो आजकल हमारे मोस्टली लिबरल पैदा हो गए हैं कि फ्रीडम स्पीच हो हमारी, जैसा हम करना चाहते हैं हम उसी तरह करें, जिस तरह रहना चाहते हैं, हमें कोई रोक टोक ना हो, लाइक हमें प्रॉपर फ्रीडम हो हर चीज में, स्पीच में भी और एवरीथिंग में भी, और मतलब यही मुझे समझ आया है।
ठीक है, माज है हमारे साथ, थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन कर दें। हेलो जी, सॉरी लफ्जों में जी 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 बात यहाँ पे नहीं, इन्होंने बात की, माज आपकी आवाज कट रही है, लिबरल से बात की थी कि हम पहले लिबरल को तो एक्सप्लेन कर देना। जी जी अभी आवाज क्लियर आ रही है? अब क्लियर है जी। जी मैं कह रहा था कि भाई ने बात की थी लिबरल 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 से बात की थी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा लिबरल को पहले एक्सप्लेन कर दें। ठीक है प्लीज करें जी। मैं जैसे जो लिबरल होते हैं ना, वो कहीं भी रिलीजियस और लिबरल की बात हो रही थी, लिबरल्स जो होते हैं उन्हें रिलीजन से कोई मसला नहीं होता और उन्हें किसी चीज से कोई मसला नहीं होता, बट उनका उनके जो बेसिक थॉट है वो यही है कि ना हमें जो है ना बिल्कुल क्या कहते हैं तरह होना चाहिए कि जो ठीक लगे हालात के हिसाब से, जैसा मतलब लोग चल रहे हों, सब चीजें ठीक है, कोई मसला नहीं होता। तो ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वही है, और बाकी राइट विंग लेफ्ट विंग की अभी यहाँ पे बात हो रही थी। तो किसी चीज को ना एक्सट्रीम के साथ चल रहे हो या किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो दे आर राइटियस, एंड जो नहीं कर रहे हो, जो उसके अगेंस्ट अपोजिट होना, वो लेफ्ट को लेकर। आपकी बैकग्राउंड से आ रही है नॉइज, किसके बैकग्राउंड से आ रही है? आपकी आ रही है। अच्छा आप किसको नहीं समझ आया, अगर किसी को नहीं समझ आया वो बताएं, फिर एक दो बंदों से और हम लोग एक्सप्लेनेशन लेते हैं। नहीं आया, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग नहीं समझ आया। अच्छा हमारे पास और कौन है? उस्मान। उस्मान बिल्कुल शॉर्ट रखना है और आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करना। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आ रही है। कि राइट विंग बेसिकली रिलीजियस से टच होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट इन अ काइंड के आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल रिलीजियस तबका टाइप होते हैं। लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो लिबरल होते हैं, और लिबरल वो होते हैं जो लिबर्टी मीन्स आजादी, आप अपने दे इन अ सेंस के जो अपने एडवांटेजेस को, जो अपने गोल्स को सेट रख के आप खुद रूल्स बनाते हैं, इंसान को इख्तियार है खुद बना सकते हैं। सो दे आर ऑन द लेफ्ट साइड, दे आर बेसिकली लिबरल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिलीजियस वन ऑन द फार राइट होता है। जिस तरह अभी इसराइल में अभी जो जिनकी हुकूमत है फार राइट है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस। गुड एग्जाम्पल, इसराइल में भी फार राइट और लेफ्ट दोनों विंग्स हैं, जिनकी आपस में दोनों ही ज्यूज हैं, लेकिन आपस में उनकी इसी वजह से नहीं बनती। ठीक हो गया, अब आई गेस क्लियर हुआ होगा काफी लोगों को। जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करें, पढ़ें, देखें कौन सी कंट्री में किस तरह, और दैट्स गुड, यस कह रहे हैं सब, समझ आ गया। थैंक यू उस्मान। अच्छा उस्मान आपने वीडियो देखी है? वीडियो मैंने देखी तो नहीं है, बट ओवरऑल जो अभी बात हो रही थी उसे मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। मैं हिजाब के बारे में जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें जो मेरा आर्ग्यूमेंट था, एक जो आपकी डिस्कशन से मैंने खुद आइडिया लगाया, डैट इज के जैसे वो कहते हैं कि उनका जो पीछे जो एजेंडा है कि बैन है, हिजाब बैन है ऑन जो स्टेट लेवल पे, जो आपका पब्लिक ऑफिस में, तो उनके नजदीक ये है कि ये रिलीजियस सिंबल है। सो मेरा आर्ग्यूमेंट है, तो इससे होगा क्या? मींस के व्हाट आर यू सेइंग के रिलीजियस सिंबल है इसलिए बैन कर रहे हैं? मींस के रिलीजियस सिंबल, अभी आप ना आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको पता नहीं है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। मैं एक्चुअली उसके आर्ग्यूमेंट्स को देखना चाह रही थी, उन लोगों के आर्ग्यूमेंट से जो इन्होंने दिए हैं इंटरव्यू के दौरान, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी अगर हम उधर चले गए आर्ग्यूमेंट्स में, बिकॉज मैं आर्ग्यूमेंट्स में जाना नहीं चाह रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स वाला काम जो है ना वो इंशाल्लाह करेंगे हम लोग एक दो सेशंस के बाद। ठीक है, पहले हम जो चीजें स्ट्रक्चर है उसको सेट कर लें, लेट्स सी के स्ट्रक्चर किस तरह देखना है और वीडियो को ओवरऑल किस तरह देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट की। अभी तक सबको ये तो समझ आ गई होगी कि अगर आपको वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको पता नहीं है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई इंटरव्यू देख रहे हैं,
किसी ने भी ये वीडियो लगा दी, उसने बस देखना अच्छा हिजाब की लड़ाई हो रही है, हिजाब के बारे में बातें हो रही हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इधर से उधर से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और वो देखो कितने बुरे हैं, वो हिजाब को बुरा कह रहे हैं। आपने अनबाइस्ड होके नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या इंटरव्यू सॉरी क्या स्टेटमेंट आई थी मैक्रोन की जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है इंटरव्यू, और हमारे लोग क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स पहुंच क्या रहे हैं उनके पास। अब ये जो हानिया और ये इन बंदों के चारों के बैकग्राउंड्स, ठीक है, अगर आप हानिया का बैकग्राउंड देखें तो ये प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो है ना ये काम करती है, ये पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है, और इन दोनों के जो इसका जो बैकग्राउंड है वो इतना हमें नहीं मिलता इस बंदी का, लेकिन ये मोस्टली मैगजीन्स में आप इसको इंटरव्यूज और उसमें ह्यूमन राइट्स में आप देखोगे इसको एक दो जगह। ये सारे बैकग्राउंड्स आपको देखना बहुत जरूरी होता है, आपको फिर पता लगेगा कि किस तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है। अगर एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट हमारी बैठ के हिजाब लेके वो ये इंटरव्यू दे रही है, आर्ग्यूमेंट दे रही है, उसका आर्ग्यूमेंट ये भी था कि मैं अगर कहीं पे पब्लिक सेक्टर में जाऊंगी तो मैं हिजाब उतार दूंगी एंड आई एम फाइन बाय इट, एंड शी सेड इट इन द इंटरव्यू कि मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हिजाब उतार लूंगी, तो आपको समझ आपको पता लगेगा कि यू नो आर्ग्यूमेंट हो कैसे रहे हैं, और हमारी तरफ से या हमारी तरफ से कह लें या किसी भी तरफ से किस साइकोलॉजी या किस इंटेंट के थ्रू जो है ना वो चीजें जा रही है, स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट जा रहा है या डर डर के जा रहा है। तो हम लोगों ने आज बात करनी है हाइजीन के ऊपर। उस्मान सॉरी मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, थोड़ी नॉइज आ रही है। हाइजीन के बारे में मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि एक इंटरव्यू की या कॉन्वर्सेशन की या डिबेट की हाइजीन क्या होती है, किस तरह आपने बात करनी है, आपके आप बात कट कर रहे हो कि नहीं कट कर रहे हो, आपके जो तौर तरीका जो बात करने का क्या कहेंगे उसे उर्दू में, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वर्ड के इसको उर्दू में क्या कहेंगे, उर्दू मैं मुझे ना अब ये यहाँ पे अपने साथ कोई रखना पड़ेगा कि वो मुझे ना इसमें तहजीब कह ले, हाँ अंदाज अंदाज बयां, ठीक है, थैंक यू सो मच, अदाब अदाब इज द राइट वर्ड, डिसिप्लिन, और ये आपकी जो हाइजीन होती है ना वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स पे और अगले बंदे पे जिससे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट करती है। अगर आप दावा का काम करना चाह रहे हैं आईएमएस में, यू नो हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, मैसेज पहुंचाने का तरीका और इन्फ्लुएंस करने का तरीका, अपना क्लस्टर बनाने का तरीका, उसमें ये सब चीजें जो है ना आपको बहुत काम आने वाली है अगर आपकी हाइजीन अच्छी होगी तो। अगर आपकी हाइजीन अच्छी ना हो, जैसे इसमें अभी हम यासिर की हाइजीन की बात करेंगे जो बैठा हुआ, इसकी हाइजीन की वजह से इसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे ना वो बहुत वीक लग रहे थे, लेकिन जब हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स की सर्जरी की और आर्ग्यूमेंट्स निकाले और हम उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाना शुरू किया हमने, तो हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे कि ये तो इसने बड़े अच्छे बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए, बट जस्ट बिकॉज वो कट कर रहा था, वो इमोशनल हो रहा था, उसके इमोशंस जब आपके इमोशंस जब आपकी बातों में आना शुरू हो जाएंगे ना तो आप समझ लें आपकी हाइजीन नहीं अच्छी, आपकी हाइजीन नहीं अच्छी, तो अगले बंदे को ये भी पता लग रहा होता है जो आपसे डिबेट कर रहा होता है कि इसको कहाँ पे गुस्सा आ रहा है, एंड ही विल यूज दैट पर्सन विल ऑलवेज यूज दैट कि इसको इस बात पे गुस्सा आ रहा है, तो वो करेगा जान के, वो अपने जो जिसे कहते हैं ना वो फैलेसीज और वो अपनी हाइजीन ऊपर नीचे करेगा आपको और गुस्सा दिलाने के लिए। इन डिबेट्स में ये टेक्निक्स यूज होती हैं, ये ट्रिक्स यूज होते हैं। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी हाइजीन, अगर आपके कंट्रोल में आप अपने इमोशंस कंट्रोल में रख के और अनबायस्ड होके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो और यू नो आपकी ईआई ड्रॉप नहीं हो रहा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप नहीं हो रही, तो यू कैन डू वंडर्स। आपकी आपको कोई फिर ऑब्वियसली फिर उस तरह से जो है ना हरा नहीं सकता या आप जो है ना लड़खड़ा नहीं सकते किसी डिबेट में। तो लेट्स टॉक अबाउट के हाइजीन हमने देखनी कैसे है। कॉन्टेक्स्ट सबको समझ आ गया, जिसको नहीं भी आया वो वीडियो देखे, वो देखें कि उसने जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मैक्रोन ने फार राइट मैगजीन को, एक मैगजीन जिसका नाम यू नो वैल्यूअर्स है, आई होप के आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इस मैगजीन को उसने इंटरव्यू स्टेटमेंट दी थी इंटरव्यू में जिसमें उसने कहा था कि ये यू नो हिजाब के बारे में कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस।
इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी, अगर आप पूरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, ये इंटरव्यू में भी आपको नजर आएगी, ठीक है। और इस इंटरव्यू के ऊपर जो है ना बड़ा, फिर वो दोबारा से हिजाब का जो एक चल रहा था ना ऑन एंड ऑफ, एक लड़ाई या प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता है पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, एक चीज बिल्कुल दबी होती है, कुछ नहीं आ रहा होता उसमें, दोबारा से वो चीज एकदम हाईलाइट हो जाए, कोई इंटरव्यू आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो टॉपिक दोबारा से शुरू हो पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था और उसकी बेस के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ था। मैगजीन नेम ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये मुझे चैट में कोई पूछ रहा है मैगजीन नेम, ये मैगजीन नेम है। और वैसे भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उस वीडियो में भी काफी कुछ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है, हमने हाइजीन कैसे देखी। अब काफी लोगों ने जो है ना वीडियो देखी भी नहीं, ये भी बड़ा मसला है। अब हाइजीन में हमने क्या देखा है, हानिया शलाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, स्पीच एंड टोन, इमोशंस, कॉन्फिडेंस। अब इसके अंदर सब में हमने रेटिंग की है, रेटिंग करके। अब ये चीजें अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि हर वीडियो को अब हम इस तरह लेख के बैठेंगे, लिख के या इस तरह, वो जरूरी नहीं है कि आपको हर वीडियो करनी पड़े। जब आप दो चार वीडियोस या हर वीडियो को इस तरह देखना शुरू हो जाएंगे ना, एक दो वीडियोस के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद जब आप तीसरी चौथी वीडियो देखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद चीजें जो है ना वो आपकी उसमें आ रही होंगी, मतलब ये एक आप समझ लेना आपकी स्किल है, तो आप खुद ब खुद इस चीज को नोटिस करना शुरू हो जाएंगे और आप हर वीडियो को अनबायस होके देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि अच्छा वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, जो कि मैंने अभी जितने लोगों को अनम्यूट किया है, एवरीबडी पॉइंटेड आउट कि उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने हिजाब के बारे में ये कहा, किसी ने ये पॉइंट नहीं किया कि हमारे लोगों ने सही आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। तो ये हमारी बायस अप्रोच होती है किसी भी वीडियो को देखते हुए। सो हानिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा जो थी डिफेंसिव थी, ठीक है, वो काम थी बड़ी मासूम और उसने बड़े काम तरीके से बात की, उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन वो डरी डरी लगी, उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो बड़े डिफेंसिव मोड में दिए। और उसकी जो स्पीच थी वो अच्छी थी उसकी, उसने अपना टेम्पर कहीं लूज नहीं किया, ये देखे ना यहाँ लिखा हुआ है ये टाइम स्टैम्प के साथ कि हर स्पीच इज लो टोन एंड शी डिडंट लूज हर टेम्पर एनीवेयर। लेकिन उसकी जो आवाज थी वो शेकी लगी हमें बीच में, जो इम्पैक्ट करती है आपकी पूरी जो है ना आपके आर्ग्यूमेंट पे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके आर्ग्यूमेंट पे ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हमें लगता है समझ आ जाती है अगला बंदा जो है ना डर डर के बोल रहे हो ना, हमें लगता है कि ये अपनी बात पे पूरी तरह, इसको अपनी बात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इसने हमें क्या बताना है। सो इमोशंस जो थे वो, शी शोड इमोशंस एट द एंड ऑफ द डिबेट व्हेन शी सेड कि वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इशू। उसने ये कहा कि भी आप लोग तो बात करके चले जाओगे, इसके ये आर्ग्यूमेंट भी है, लेकिन हम लोग ये फेस करेंगे जो यहाँ पे बातें हो रही है, हमें जो है ना फेस करना पड़ेगा। ये एक इमोशनल चीज थी, बात सही थी उसकी, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स में ये चीजें यूज नहीं कर सकते हो ना। आप आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज यूज करोगे तो अगला बंदा कहेगा कि हम लोग भी तो आपके प्रोटेस्ट फेस कर रहे हैं ना, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हम लोग भी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आज हम एक फैलेसी भी करने वाले हैं, ये इसने यहाँ पे ये फैलेसी की थी जिसको कहते हैं अपील टू पिटी, ठीक है ना, अपने आप को विक्टिम शो करके अपने तरस जो है ना दिलाने वाली स्टेटमेंट देना जानबूझ के, इसको ये फैलेसी होती है। सो कॉन्फिडेंस जो था उसका वो एवरेज था, शी डिडंट ट्राई टू प्रूव हर आर्ग्यूमेंट राइट, शी लुक्ड एज इफ शी इज इंटिमिडेटेड बाय अदर्स, बाकियों से जो है ना वो इंटिमिडेट हो रही थी। और ये इसकी जो है ना ओवरऑल 5/10 हम लोगों ने इसकी हाइजीन जो है ना वो निकाली थी। ये मैं जो आपको काम बता रही हूँ ना, ये स्टूडेंट्स का ही बता रही हूँ, ये स्टूडेंट्स ने ही काम किया हुआ है, आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देखें और आपको पता लगे कि आपने किसी भी चीज को कैसे जो है ना वो नोट डाउन करना है। इसके अलावा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये चीजें आपने देखनी है लाजमी। हम लोग आगे हमने जो क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू करना है, और हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड, ये तो वीडियो बहुत लाइट थी, कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस पे जाएंगे तो बहुत जल्दी सारा कुछ हमें जो है ना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा अब आ जाते हैं कैरोलाइन पे। कैरोलाइन की हाइजीन सबसे गंदी थी इसमें, जिसने ये वीडियो देखी उसको पता होगा। आर्ग्यूमेंट्स भी वैसे इसके वीक ही थे, लेकिन इसकी हाइजीन जो थी ना, इसकी वजह से इसको सुनने को भी दिल नहीं कर रहा था। हो सकता है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स एक दो सही भी हों, लेकिन वही बात आ जाती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसकी जो
सार्केस्टिक टोन थी, उसका उसकी इंटरप्शंस जो थी वो बहुत गंदी थी। अब आप ये सोचें कि अगर इसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते और ये इस हाइजीन के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स दे रही होती तो फायदा तो कोई भी ना होता। हमारी बंदी बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट साइड पे थी, उसने बिल्कुल ही डर डर के चीजें की हैं, इसने जो है वो बिल्कुल बदतमीजी के साथ जो है ना भाई जी। लेट्स अनम्यूट समवन, जिसकी जिससे बात हो गई है वो प्लीज अपने हैंड जो है ना वो जैन है हमारे पास, कौन कौन है हु वांट्स टू टॉक अबाउट हर हाइजीन, जिसने वीडियो देखी है प्लीज हैंड रेज करें। नूर, नूर अनम्यूट करें प्लीज। Yeah, am I audible? Yes, you are. Okay. So, Caroline Valentine ki baat ho rahi hai, right? Because uski hygiene bilkul bhi proper nahi thi, because achanak se Yasir pe personally attack karna ke am I not a good woman? To yahan pe mujhe ad hominem fallacy nazar aayi. To I pointed out ke haan yahan pe hai. एंड एक और जगह जब मोहानिया शलाल पे बिल्कुल पर्सनल हो गई तो वहां पे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा व्हाट वाज द अदर फैलेसी, दूसरी हमने कौन सी की, एड होमिनम और की थी, कौन सी की थी लास्ट टाइम, स्ट्रॉमैन, स्ट्रॉमैन, हाँ थैंक यू, स्ट्रॉमैन फैलेसी, हाँ बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन कैरोलिन जो है, हाँ बिकॉज़ as far as I remember, dominum fallacy jo thi wo personal attacks pe thi. Yes. So Yasir ne jab kaha ke when she gave a shut up call to Yasir, so Yasir became defensive. So unhone kaha ke am I not a good woman? Am I not able to speak? So yahan pe mujhe fallacy nazar aayi, which is bilkul bhi jo wo fallacy se, I guess hygiene bhi maintain nahi rehti phir. It also affects the hygiene as well. Wali fallacies basically, हाँ, इस तरह की जो fallacies होती हैं, उनपे obviously hygiene तो maintain नहीं रहती। कुछ fallacies होती हैं जो आप अपने arguments में करते हो, वो आपको पता भी नहीं लगता, आप hygienic रहते हुए भी कर देते हो। Yeah, तो यहाँ पे मुझे feel हुआ कि this was also not right, and she personally attacked, वो बिल्कुल instrumentalize कर रही थी ना को, उसको हानिया शलाल को, कि I think Hania Shalal was defensive bahut zyada ho gayi thi by the end, and I actually don't blame her because mera bhi ek point of view hai ki Hania Shalal she actually wanted to go to the field of education, right? To wahan pe usse bachchon ko padhana padta, we are not taking sides, any side, so apne opinions hum log yahan pe nahi, hum log bilkul unbiased ho ke baat karenge, theek hai? Okay. Okay, no, because I'm a little conservative when it comes, no, I am a little bit conservative when it comes to hijab, but the point is that Hania Shalal, we have to take down a certain context behind it, because she's already staying in France, and there are laws that if you are studying children, so you have to remove your scarf, because it is not a, according to Caroline, it is not a French culture, Muslim culture is not a French culture. तो वहां पे इफ यू आर टीचिंग यंग स्टूडेंट्स तो आपको अपना हिजाब उतारना, बिकॉज़ दे आर हैविंग दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग के इस्लामोफोबिया कहते हैं, इसीलिए आई थिंक वो यंग स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे, एंड दैट इज माय टेक। ठीक है, इसमें हम लोग डीप जाएंगे ना जब टॉपिक एनालिसिस पे, तो हम लोग ये देखेंगे कि इस्लाम इस बारे में कहता क्या है, कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे ये आपको अलाउड नहीं है और आप करना भी वही चाह रहे हैं जो आपको अलाउड नहीं है, तो शुड यू, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इस्लामिक लॉज जो है ना पूरे करने में मुश्किल आए, तो आपको वहां से हिजरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम टॉपिक एनालिसिस के ऊपर आएंगे। अभी लेट्स यू नो स्टिक टू दिस वीडियो। अब आ गई इसकी कैरोलाइन की बात, तो हम लोगों ने इसको जो रेट दिए थे वो रेटिंग दी थी वो 4 थी, 4/10, इंटरप्शंस थी, नोडिंग थी, आई रोलिंग थी, ठीक है, अपोजिंग व्यूज, एरेटिक हैंड जेस्टर्स थे, ठीक है, और शी वाज ऑल ओवर द प्लेस एक्चुअली, तो मतलब हर किसी की बात को काट रही थी, और जो
उसके साथ वाला बंदा था जो उसके वाले आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था उसको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन शी वाज यू नो ट्राइंग कि वही बोले और कोई ना बोले, तो उसका बहुत ज्यादा वो जो था बदतमीजी के जिमरे में आ गई थी वो, ठीक है, डेरोगेटरी टोन थी। अच्छा अब ये जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि वर्ड्स आगे समझ नहीं आ रहे, ये आप लोग ज्यादा आपको बेहतर समझ तब आएंगे जब आप इन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो अपने ग्रुप्स में ना कोशिश किया करें कि अगर ज्यादा लोग आपको नहीं मिल रहे, ग्रुप मीटिंग नहीं हो रही, पेयर्स बना लें, एक दो बंदा जिनको समझ आ रही है वो भी कोशिश करें कि यू नो टेक ओवर समवन अपने ग्रुप के, एक दो बंदे उनके साथ दो तीन लोग मीटिंग्स करके वो चीजें जो है ना डिस्कस करें आपस में, क्योंकि आईएमएस का मकसद ही यही है कि सिखाना, आगे मैसेज पहुंचाना, एंड हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में, तो वी नीड टू रेज आवर इंटेलेक्ट इन दीज थिंग्स। सो इमोशंस जो थे उसके ऑब्वियसली इमोशनल थी बहुत ज्यादा, अपने हर आर्ग्यूमेंट में इमोशनल थी। You don't like it when we discuss Islam. So ये उसकी statement भी जो थी ना, ये भी एक fallacy में और appeal उसमें आती है। Confidence जो था, अच्छा इसका confidence good था। अब इसके confidence की भी तो confidence की दाद तो देनी पड़ेगी ना, कि जो भी था ये defensive उस तरह से नहीं थी और कहीं पे भी जो है ना ये इसने अपने आप को down नहीं होने दिया। बेशक उसके arguments जो है ना वो उठा उठा के आप जो उसके उसकी फैलेसीज भी पकड़ रहे थे उसको, उसके आर्ग्यूमेंट्स को भी जो काउंटर अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन शी वाज कॉन्फिडेंट ओवरऑल। तो यहाँ पे आके उसका एक जगह कॉन्फिडेंस, जब उसने फ्रेंच सबर्ब्स वाली बात की थी कि इस फ्रेंच के सबर्ब्स में ये होता है, और उसने कहा था कौन से कहाँ होता है, तो जब उसकी फैक्ट्स के ऊपर उसने एविडेंस मांगा तो वो एकदम से जो है ना वो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन ओवरऑल जो है ना उसने अपना जो टेम्परामेंट और वो कॉन्फिडेंस था वो नहीं तोड़ा। ओके यासिर के ऊपर आते हैं, यासिर की हाइजीन भी अच्छी नहीं थी, कौन करेगा यासिर की हाइजीन के ऊपर बात, पहले मुझे हैंड रेस करके बताएं। रिस्वान हाँ, मैं रिजवान बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? यस आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखी थी, टोन खासकर, ये बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे, वो पॉइंट प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि हम किस पॉइंट पे बोले। और ये बार बार इंटरफेरेंस जो रहा था हानिया इनके वैलेटिन के साथ, तो ये जो है उसका वो इंटरप्ट कर रही, तो जिसकी वजह से अपना पॉइंट जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे थे और सारी चीजें दे नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से इनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा वो आया था और कॉन्फिडेंस बहुत कम था इनका। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम था और टोन जो इनकी लगा भी काफी ज्यादा। ठीक है किसको लगा कि कॉन्फिडेंस ठीक था लेकिन हाइजीन खराब थी, मतलब कॉन्फिडेंस था लेकिन वो सही जगह पे अपनी बात नहीं कर सके जहां उनको करनी चाहिए थी। वैसे मैं सबको अनम्यूट ये मैं ट्राई करने लगी हूं कि सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप लोगों ने अब अपनी हाइजीन जो है ना, लेट्स सी हाउ इट गोज, एवरीबॉडी कैन अनम्यूट। ठीक है, मुझे बताएं कि बात कहना। जी अलीना, असल में यासिर ने कॉन्फिडेंस तो था लेकिन इन्होंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे ना वो उसमें कई दफा डिफेंसिव और ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाले जो उनके ओपोनेंट हैं वो मुस्लिम नहीं है, उनका बैकग्राउंड किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो उनको बेहतर तरीके से अपनी बात को समझा सकते थे लेकिन वो नहीं कर सके। ठीक हो गया। और ये भी ये अनइंटेंशनली था क्योंकि जब आप इस तरीके के सिनेरियो में होते हैं तो एक टीम बनी होती है, क्योंकि जो रिपोर्टर थे वो भी मुस्लिम नहीं थे, तो मे बी उस वजह से ये चीज थी, लेकिन वो बात सही भी कर रहे थे कुछ जगह पे और कॉन्फिडेंस था, ये मेरी तरफ से जजमेंट है। ठीक हो गया गुड एनालिसिस। अच्छा और कोई, मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। जी जैन आप अनम्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा फैलेसीज बेसिकली हम आर्गुमेंट में क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं, कोई डालता तो नहीं है फैलेसी, रीजनिंग एरर होता है आपका।
रीजनिंग एरर होता है इसका, एक उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारा उसके ऊपर, मतलब आर्गुमेंट के ऊपर की नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव। अगर आप देखें कुछ लोग होते हैं जो फैलेसी करते हैं, कर जाते हैं, यूज कर लेते हैं, इंटेंशनली भी कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो लॉजिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन अगला बंदा अगर इंटेलेक्ट वो उसका आईक्यू हाई है, इंटेलेक्ट है, और उसको पूरी कमांड है आपके इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप डिबेट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो वो उसी वक्त आपकी फैलेसी कैच कर लेगा। और फैलेसी कैच करने का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप किसी को पॉइंट आउट कर दो कि तुमने एडहोमिनम फैलेसी कर दी है यहाँ पे, तुम मुझ पर एडहोमिनम अटैक कर रहे हो, या तुम अपील टू पिटी कर रहे हो, या तुम स्ट्रोमैन कर रहे हो। यू नेवर कैच अ फैलेसी लाइक दिस। आपकी फैलेसी कैच करने का तरीका ये होता है कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट इस तरह का दो, आपको समझ आ जाए कि इसने यहाँ पे जो है ना एक एरर कर दी है। अब आपने अपना आर्ग्यूमेंट इस तरह का देना है, आगे से बात इस तरह की करनी है कि उसके पास जवाब ना, उसकी फैलेसी भी पकड़ी जाए और उसके पास जवाब भी ना हो, उसको समझ आ जाए कि मेरी, मैंने बात गलत कर दी थी, अब इसने मेरी बात पकड़ ली है, या क्वेश्चन आगे से काउंटर इस तरह का कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैच अ फैलेसी। ओके, मतलब हम दलाइल के साथ जितनी बात हो सके आर्गुमेंट में वो करें, मतलब दलाइल के साथ, तो फिर हमारी बात स्ट्रॉन्ग होती है। यस, व्हाट आई फील कि व्हाट इमोशनल, जो जिसने सारी जो है वो सिचुएशन खराब की, अगर वो इमोशनल होने की बजाय अपने लॉजिक्स देता, आर्गुमेंट्स देता, तो वो ज्यादा बेहतर था। तो ये फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही उसके पास बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स थे। अगर आप वीडियो में देखें तो यासिर के पास आर्ग्यूमेंट्स अच्छे थे, उसका उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स का जो बैक थी वो भी स्ट्रांग थी, एविडेंस भी थी सही थे, जब हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स को चेक किया, फैक्ट्स चेक किए तो वो भी सही थे। तो ओवरऑल जो थी उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज तो स्ट्रांग थी, ठीक है, इमोशंस जो है वो उसने टेम्पर लूज किया है काफी दफा, ठीक है। और अटैक करी थी कैरोलिन, तो उनको जवाब देने के बजाय उसे अपने पॉइंट्स देने चाहिए थे, लेकिन वो उधर डाइवर्ट होके उसने अपने पॉइंट्स लूज किए, बजाय कि वो अपने पॉइंट पे रहता कि मेरे ये पॉइंट्स है, मेरा ये आइडिया है, अपने आर्गुमेंट देने चाहिए। ऐसे इमोशन कंट्रोल करने होने चाहिए ऐसे टाइम। ठीक हो गया, थैंक यू सादिया, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, इसके इमोशंस जो थे, इसने स्पेशली इमोशंस अपना टेम्पर वहां पे लूज किया है जहां पे ये बिल्कुल फ्लो में जा रहा था, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था, और एकदम इसने अपना टेम्पर लूज किया है क्योंकि इंटरप्शंस की वजह से। कुछ लोग होते हैं, वही बात है ना, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो आपको दो दफा कोई तंग करेगा आपकी बात में और आप गुस्से में आके आपका आर्ग्यूमेंट्स कहाँ का कहाँ चले जाएगा, और ऑडियंस ये नहीं देखेगी कि आप बात क्या कर रहे हो, वो ये देखेगी कि आप बात कैसे कर रहे हो। Because of his emotions and hygiene, his argument appeared weak and unnecessary. किसने कहा है? Please unmute me. I have a question. Huzaifa, you can unmute. Assalamu alaikum, ma'am. Waalaikum assalam. Ma'am, being a Muslim, हम लोग इस तरह के arguments में, इस तरह की debate में emotional हो जाते हैं, चाहे हम कितना plan करें कि हम जो है वो rational रहेंगे, लेकिन हम फिर करें, मतलब अपने इमोशन को क्या ऐसे टेक्निक करें, क्या इस तरह से हम अपने ऊपर कंट्रोल करें कि हम उस आर्गुमेंट में इमोशनल ना हो, हम बिल्कुल रैशनल रहें, लॉजिकल रहें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि हर कोई नहीं होता इमोशनल, ठीक है, हर कोई नहीं होता, आपको आप इमोशनल हो जाते हैं, आप ऑब्वियसली आपके आपको गुस्सा आता है, डिबेट्स में चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना आ जाए ना, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर उस तरह करें आप कि आपको पता हो कि आप माइंड मेकअप करके बैठे हो, आपके पास फैक्ट्स हो, ठीक है, अगर आप ये आपको पता है कि अब आपने टेम्पर लूज किया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस देख रही है, मुसलमान तो आपकी बात सुन लेंगे, उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई उसने गलत बात की थी तो इसको गुस्सा आ गया, हमें भी आ गया था, क्योंकि हमारी ऑडियंस को तो आ जाएगा, जो मुस्लिम ऑडियंस हो, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो कहेंगे यार देखो बात कैसे कर, उनको तो नहीं पता ना आपको आपके सेंटीमेंट्स अटैच हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुस्सा नहीं आता, कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं, अगला बंदा फजूल बातें कर रहा है, तो वहाँ वो भी आपने देखना है, वी विल इंशाल्लाह लर्न अबाउट कि आपने कहाँ आर्ग्यूमेंट करना है, कहाँ नहीं करना। अगला बंदा अगर स्ट्रॉमैन करी जा रहा है, एडोमिनम करी जा, उसका माइंड ही नहीं है कि वो आपसे बात करे कौन, तो आप वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कहीं रैशनल बात कर, आपने वाकई अगले बंदे को समझाना है और अगला बंदा समझना चाह भी रहा, आपको पता है
कि वो इस तरह की, लेकिन वो कभी कभी इस तरह की बात कर लेता है, कर देते हैं अनइंटेंशनली, ठीक है, कि आपको बुरा लग जाता है, आप कहते हो कि ये तो इसने बड़ी गलत बात कर दी है, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर देगा, वो मजाक उड़ा देगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कुछ, कि ये ऐसे क्यों है आपके इस्लाम में, ऐसे क्यों हुआ था, हिस्ट्री का कोई वाकया उठा, तो वहां पे आपने जो है ना, आपने अपने आप को देखना होता है कि यहाँ पे जरूरी है अपना टाइम लगाना, या फिर मैंने अपना वो पूरा कर दिया जो मुझे करना चाहिए था. इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, इसको भी इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे. लेट्स, ये मैं बहुत सारे यहाँ पे जो अल्फाज हैं ना अपने इस तरह के यूज कर रही हूँ कि इसके ऊपर हम लोग डीप ना ही जाएं तो बेहतर है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट कि कहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना. अच्छा, लेट्स मूव टू अदर पीपल. कोई और, एवरीबडी कैन अनम्यूट, कोई भी अनम्यूट कर सकता है. यासिर की हाइजीन के ऊपर कोई और पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. While giving his argument, he was quite composed, but he can be intimidated. Walaikum salam. GF. Asfa. Ma'am, एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, although कि आप जो इस वक्त एनालिसिस कर रही हैं वो बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि हमारा फॉरियर में यही है कि हमने हर एक को वो चीजें बतानी हैं जो मिस्टेक्स हम लोगों से ना हो सकें, जो हम फ्लॉज जो चीजें हैं मसल में सब करना चाह रहे हैं. मेन आपका पॉइंट बेटरमेंट के लिए है, लेकिन द थिंग इज हम उस चीज को कैसे डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे चीज ही अनबायस्ड हो, मतलब वहां पे चीजें आपकी इंसाफ पे हो ही ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप जैसे कॉन्फिडेंस को, बॉडी टोन को, इमोशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, यू आर कंपेयरिंग ऑल दीज मटेरियल जो कि किसी भी चीज की बुनियाद होते हैं, एक ऑर्गुमेंट की, एक स्पीच की बुनियाद होते हैं, आप उसको डिस्कस कर रही हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंच कम्युनिटी, अबाउट द जर्मन कम्युनिटी, आल्दो कि वहाँ पे पर्दा जो है वो उन्होंने एज अ लॉ बनाया है कि भाई इससे हमें, क्योंकि इसका चेहरा ढका हुआ है तो वो कोई भी वायलेंट हो सकता है, उन्होंने उसके वर्ड्स लेके उसको बेस बना के कि वर्ड्स, लोगों के जो वर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसको बंद कर दिया हुआ है. बट द थिंग इज कि ये बंद होने के बावजूद जब आप देखते हैं कि एक एनवायरमेंट में कोई शख्स या कोई औरत अपने जो रिलीजन वर्शल्स को फॉलो कर रही है, उसको जाना चाहिए था अदालत तक, ठीक है, कि आपने ये कहा हुआ है और ये बंदा इसको फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पे अनलॉ चीजें इस तरह की होती हैं कि एक जो खातून है अगर वो हिजाब पहनती है तो उसके साथ आम सिटीजन एक नफरत में, हेटर में उसको नुकसान पहुंचाते हैं. अब आप जैसी जो फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने हिजाब किया हुआ है, आप उनके आर्गुमेंट देखें कि हमें पता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है. इसके पीछे आप वॉयलेंस दे सकते हैं कि उसके अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके जहन में चल रही हैं कि वो इमोशनल हो सकती है. दूसरी लेडी जिसको कोई खतरा नहीं है इस चीज से, शी वुड बी कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बिकॉज यू नो दैट शी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आउटसाइड द. आप ये कैसे कह रही हो कि एक पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी को नहीं हो सकती? क्योंकि अभी आर्गुमेंट इस्लाम पे चल रहा है ना, शी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इस्लाम. अगर हिजाब से तो उसको कोई इशू है ही नहीं बिकॉज शी इज ऑलरेडी शी डोंट हैव शी डू नॉट नीड टू कवर हरसेल्फ, शी इज नॉट विद इस्लाम. उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होगी? आप ये बात कर रही हो कि सिर्फ इस्लाम वालों को मसला है, जो इस्लाम वाले वहां पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ वालों को. मैं अभी कह रही हूँ कि जो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, दे आर वर्सेस इस्लाम, दे आर टॉकिंग अबाउट हिजाब, मतलब लाइक वो उस चीज को आर्गू कर रहे हैं, तो जो इस्लाम वाले हैं जो उस बेंच पे बैठे हुए हैं उनकी ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बिकॉज दे नो दैट दे डोंट गेट एनी डिफेंस आउटसाइड द रूम. एक चीज हमारे पास जो एनवायरमेंट है वो ऑलरेडी अनबायस्ड है. एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दें. सिंपल सा, इस्लामिक स्टेट में आप कह रही हो कि अगर इस्लामिक स्टेट में ये लोग आएंगे तो ये लोग डिफेंसिव हो जाएंगे और इस्लाम वाले कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? नहीं, हमारा तो हमारा अगर अब इस्लामिक स्टेट, हाँ देखिए ये भी थोड़ी सी चीज होती है. अब आप ये देखिए आल्दो कि वो हमें, जैसे अभी आपके सामने होगा कि प्रिंस की वाइफ इधर आई है, उसने शलवार कमीज पाकिस्तान में आके अपने आप को कवर किया,
अब वो चाहे हमें रिस्पेक्ट दे रही थी, हमारे लॉ को रिस्पेक्ट दे रही थी, या चाहे वो अपने आप को डिफेंस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये भी मशहूर है कि अगर आप ये जो हमारे सरहदी इलाकों में जाओ तो वहां पे अगर औरत ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, बाहर के लोग ये समझते हैं कि अगर हम शलवार कमीज में नहीं जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, शायद वो उसको अपने आप को कवर कर रही थी। आप कहाँ जा रही हो, क्या बात कर रही हो आप, देखो ये नहीं होता कि वो इस वजह से शलवार कमीज पहन के। उसकी जो लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज उसके इमोशंस ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम इनको आपस में आपको पता है कि फ्रांस में पहली बात हिजाब बैन नहीं है, ना रोड्स पे ना घरों में कहीं पे भी बैन नहीं है, ये पता है आपको? नहीं नहीं उन्होंने बॉडी पॉलिटिकली जो वोट्स हैं उसकी बेस पे किया हुआ है, लेकिन कुछ हेटर्स ऐसे हैं कि जो फिर भी चीजों को, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप जर्मनी देखे हैं, वहाँ पे कुछ चीजें कम्युनिज्म में आ जाती हैं, मतलब किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, कुछ इसको हेट पे ले जाता है, लेकिन एज पर द पॉलिसी जो है वो सिर्फ पॉलिसी अप्लाई की गई है, वो उसमें कोई हेट या उसमें कोई वो पसंदीदगी वाला इस्लाम बैन नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जब आप चेहरे को कवर करते हैं इट कुड बी वायलेंस फॉर द सिटीजन, कि कोई भी इसका फायदा उठा के नुकसान पहुंचा सकता है। मैं ये नहीं पूछ रही, मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू नो कि हिजाब बैन है वहां पे? जी जी बिल्कुल था, अभी अभी करंट सिनेरियो ने बताया, लेकिन था वहां पर बैन। अच्छा पहली बात तो ये कि हिजाब वहां पे बैन नहीं था, वहां पे सिर्फ स्टेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट जगह पे जॉब कर रहे हो ना, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप टीचिंग कर रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में हो, वहां पे आप नहीं पहन के जा सकते, आम लोगों को बैन नहीं है वहां पे। लेकिन इस तरह के इश्यूज क्यों पेश आए फिर वहां पर? वहां पे सिर्फ एक और बात सुने आप, एक और बात सुने, वहां पे सिर्फ हिजाब ही बैन नहीं है ये सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज, वहां पे टर्बन हो गई, ये सिंदूर हो गया, वहां पे यामका हो गया जी उसका जो टोपी पहनते हैं, कोई भी इस तरह का जो सिंबल वो लोग कह देते हैं कि जो रिलीजन को लेकर आ रहा है ना हमारे स्टेट पे, क्योंकि हम सेक्युलर स्टेट हैं। उसमें ये चीज, ये जो उन्होंने बैन किए ना, उन्होंने फार राइट पे बैन किए ना, एनीथिंग व्हिच इज कंजर्वेटिव व्हिच इज एक्सट्रीमिस्ट वो द बैन है, उधर बैन नहीं है, यही तो मैं बात कर रही हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि पूरे फ्रांस में वो बैन नहीं है, ठीक है, आप रोड्स पे, आप घरों में, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जगह जॉब कर रहे हो, आप पहन के जा सकते हो हिजाब, इट्स नॉट बैंड, सिर्फ अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है तो उसके रूल्स हैं, वहां पे बैंड, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई जो आप बात कर रही हो कि अगर कोई बंदा वहां पे ये हिजाब वाली है, उसको पता है कि you know, हमारे साथ क्या होगा जब हम यहाँ से निकल के जाएंगे, इसी तरह कैरोलाइन को भी पता है कि उसके साथ क्या होगा जब वो यहाँ से निकल के जाएगी, क्योंकि प्रोटेस्टर्स तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, वो ज्यूज भी हैं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, वो सब बोलते हैं कि भाई हमारी चीजें क्यों बैन की हुई है, ठीक है, हमारे रिलीजियस सिंबल्स आप लोगों ने क्यों बैन किए हैं, तो होना कैरोलाइन के साथ भी वही प्रोटेस्ट होने जो उसको कहा जाएगा हानिया को, वो कोई और लोग होंगे, इसकी तरफ से कोई और लोग होंगे। नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली जब आपको पता होता है ना कि जो जो आपकी नेशनलिटी, आपके पीपल, आपकी कंट्री, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी ये और बात, ये और बात आ गई नेशनलिटी पे, नहीं नेशनलिटी पे वी आर नॉट टॉकिंग अब, नो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, मैं कह रही हूं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी कॉन्फिडेंस, यही तो बात है, नहीं आना चाहिए ऑटोमेटिकली, नहीं आना बात में माना कि क्योंकि हम जो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने इन चीजों को निकाल के, और हमने फिर भी, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे ये सबके लिए है कि जिस वक्त हबशा में तकरीर करते हैं हमारे सहाबी रसूल जाकर, दैट वाज द फर्स्ट स्पीच जो किसी के सामने जाके इस तरह से की जा रही होती है, उस पर इस्लाम को प्रेजेंट किया जा रहा था, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो टोन का ऑरा था, जो उनका सब कुछ था, वो एक बहुत बड़े बादशाह को कन्वेंस कर देता है। हमारे इस्लाम असल में हमें यही सिखाता है कि हमने असल में किसी चीज से डरना नहीं है, वी नीड टू पुट आवर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, वो कोई वो कुछ भी हो, ओके, असल में हमने ये लर्न किया। काफी ड्रैग हो रहा है और टाइम भी हमारा बस खत्म होने लगा है,
तो बस मैं 5 मिनट्स और इसको ये दोनों को डिस्कस करते हैं हाइजीन इसकी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी आप वीडियो देख लें, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट में ना फिर प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आना है, सिर्फ इस वीडियो की नहीं और भी वीडियोस की. और एट दी एंड 2-5 सेशंस हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग एक वीडियो हम लोग डिसाइड किया करेंगे मिलके और उसको देखा करेंगे एक हफ्ते में, उसकी फाइंडिंग्स जो भी हमारे पास आएंगी उनको हम लोग या फिर डिवाइड कर लेंगे कि तुम ये वाले फैक्ट्स चेक कर लो, तुम इस बंदे के फैक्ट्स चेक कर लो, या तुम ये वाले आर्ग्यूमेंट चेक कर लो. विल डिवाइड इट और नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, पूरा टॉपिक, पूरा सेशन, पूरे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आया, हिस्ट्री सारी सब कुछ डिस्कस करेंगे. और क्रिटिकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट गिविंग सेशंस, ये कोई लेक्चर्स या क्लास नहीं है, ये हम सब ने मिलके इकट्ठे करना है. ठीक है, तो मैं बस ये चाह रही थी कि आप लोगों को बेसिक्स जो है जिनको नहीं पता उनको क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग जब क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जाएं, एक्चुअल एनालिसिस की तरफ, तो हमें पता हो कि हम लोगों ने बेस किन चीजों को रखना है. ठीक है, वीडियो लिंक जिनको नहीं मिला वो भेज दें, चैट में मुझसे बार बार मांग रहे हैं. बाकी एंड पे आते हैं इसके ऊपर, जैक के ऊपर. जैक का जो हाइजीन थी वो इसमें सबसे ज्यादा बेहतर थी इन चारों में से. और यू हैव अ क्वेश्चन, अच्छा लेट्स जस्ट मैं इसको रैप कर लूं क्वेश्चन. मदीहा आपसे बात, आयशा आपका क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें. आयशा आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें प्लीज. मैंने ये फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया तो मुझे मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है इसको समझना, तो उसको समझने के लिए अगर आप मुझे बता सके कोई इससे फर्दर इससे पहले कोई वीडियो हो, पिछले वाली वीडियो. हां जी बिल्कुल है, आपकी आपकी कम्युनिटी में शेयर हुई होगी. ठीक है, लास्ट सैटरडे, एवरी सैटरडे होगा सैटरडे डिस्कशन फोरम की वीडियो जो है ना वो आप देख लें. ठीक है, ठीक है. और आप ये वीडियो जो जिस पर डिस्कशन हो रहा है उसको पहले से लिंक प्रोवाइड करेंगे उसी ग्रुप पे? यस, ये वीडियो जो है ना उसके साथ ही आई होगी, डिस्कशन फोरम की जो रिकॉर्डिंग थी ना उसके साथ ये वीडियो के लिंक भी होगा और ये चैट में भी आ रहा है, अगर आपको चाहिए वहां से भी ले लें. अच्छा, अमर की भी जो वीडियोस हैं हम YouTube पे अपलोडेड हैं, लास्ट सेशन की भी YouTube पे मौजूद है, आज की भी जो रिकॉर्डिंग है YouTube पे अपलोड हो जाएगी. YouTube चैनल है IMS के नाम से ही, और वहां आपको ये पुरानी वीडियो जिसको आज डिस्कस भी किया जा रहा है इसका लिंक भी मिल जाएगा. ये ना वलीद आप जरा लिंक इसमें डाल दें YouTube चैनल का, IMS प्रोडक्शन के नाम से है, जिसके अंदर IMS प्रोडक्शन के अंदर एक पार्ट है IMS डिस्कशन फोरम का, वो उस पे सारी डिस्कशन फोरम की वीडियोस हैं. वलीद अभी आपको सेंड कर देता है. अच्छा जी, मुझे अभी किसी ने पूछा था कि क्राइटेरिया क्या है इनको नंबरिंग करने का, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया यही है कि आपने हाइजीन नोट करनी है और आपने ओवरऑल उनको नंबरिंग दे देनी 10 में से, अच्छा कितनी अच्छी हाइजीन थी, अच्छे होने की बेस पे और बुरे होने की बेस पे. ठीक हो गया, जो 10x10 हाइजीन है ना उसको भी कभी हम डिस्कस करेंगे, 9x10 या 10x10 हाइजीन कौन सी होती है, तो इसको भी हमने 7 नंबर दिए क्योंकि अभी हम एक ही वीडियो की बात कर रहे हैं ना. जब ज्यादा ज्यादा वीडियोस आप देखना शुरू कर लोगे तब आपको पता लगेगा अच्छा आपने कैसे हाइजीन नोट करनी है. ओवरऑल कम्पोज एंड इंटिमिडेटिंग था, ये इतना कम्पोज था कि जब ये बोलता था तो सब सुनते थे कि आप नोट करना, इसकी जो टोन और इसका कंपोजर था वो अच्छा था और इसको पता था कि कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है. लेकिन इसने बीच में बदतमीजी भी की है एक दो जगह, उसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आएंगे ना तो हम वो बात करेंगे कि इसने बड़ा पता नहीं है वो इसने जान के किया है या इसकी वाकई में इसको यही लगता है जो उसने आर्ग्यूमेंट दिया था. इट वॉज रियली बैड. हिज स्पीच वॉज क्लियर एंड हिज टोन वॉज मेंटेन्ड थ्रू आउट द इंटरव्यू. पूरे इंटरव्यू में जहाँ ये गुस्से में भी बात कर रहा था इसकी स्पीच और टोन जो थी वो मेंटेन थी. ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज टेम्परामेंट एंड डिडंट शो एनी इमोशंस वाकई नजर नहीं आए इसके. हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन इस्लाम एंड कुरान शोड ही इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इट व्हिच रिफ्लेक्ट्स हिज डेस्परेशन.
दिस वाज आवर एनालिसिस ऑन इट, कि इसकी डेस्परेशन नजर आ रही थी कि इसको कोई नॉलेज नहीं था. जब यासर ने इसे 2-3 क्वेश्चंस किए तो उसके पास कोई आंसर नहीं थे उस क्वेश्चंस के, लेकिन वो उसका पॉइंट ये था कि मैंने बस गलत साबित करना है कि ये कुरान, मुझे पता है कुरान का, इसने एक 2 दफा कहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है. तो और गलत कोट करी जा रहा था, गलत चीजें बताई जा रहा था. तो जब उसने यासर ने पूछा है कि भाई आप आलिम हैं कुरान के जो आप ये चीजें कोट कर रहे हैं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था. तो वहां पे जो है ना इसका नोट किया गया, इसकी डेस्परेशन नजर आई है. ठीक है, कॉन्फिडेंस ओवरऑल गुड, ही इंटरप्टेड यासिन एंड हानिया. तो ये क्रिटिक इसने जो है ना ये इसने गलत किया. तो इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई और पॉइंट्स नजर आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यही पॉइंट्स नोट करने हैं कि कॉन्फिडेंस क्या था, इमोशंस क्या थे, क्रिटिक क्या थी. आप फैक्ट्स भी इसमें अंदर ऐड कर सकते हो कि इसका कोई फैक्ट ठीक नहीं था, या वो इंटरेस्ट नहीं था इसका टॉपिक के अंदर, कोई भी किसी भी तरह का जो आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए हाइजीन में. हाइजीन का आइडिया और वो सारा कुछ तो मैंने दे दिया आपको कि किस तरह आपने देखनी है. थोड़ी सी हम लोग जो है ना हाइजीन के ऊपर इस तरह भी बात कर लेते हैं. ठीक है, हाइजीन के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लें. रिस्पेक्टिंग ओपोनेंट्स, इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. रिस्पेक्टिंग ओपोनेंट्स, क्लियर कम्युनिकेशन, सॉरी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी, जार्गन्स और मिसलीडिंग रिटोरिक, मतलब आपने कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करने लग जानी जो आपको पता हो कि अगले बंदे को कन्फ्यूज कर रही है, आप जान के करी जा रहे हो. तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, लिसनिंग, अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है. अक्सर लोग सुनने की बिल्कुल उस सेंस में होते ही नहीं है, वो कहते हैं बस हमारा पॉइंट सुन लो, आपकी मुझे समझ आ गई है, उसको कंप्लीट भी नहीं करने दे रहे होते. ये भी मैंने काफी दफा देखा है, वो कहते हैं आई गॉट योर पॉइंट, वो अगला बंदा कंप्लीट नहीं कर रहा. तो आपने रिस्पेक्ट देनी होती है, हमेशा सुनना होता है. अगर आपको समझ भी आ गया ना वो कहाँ जा रहा है, तो ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू इट. फैक्ट चेकिंग, स्टेइंग ऑन द टॉपिक, अवॉइडिंग फैलेसीज, ये तो उसके ऊपर फैलेसीज के ऊपर आ गया, लेकिन खैर ये भी आपकी हाइजीन में ही आता है ना, कि आप फैलेसी पे फैलेसी मारी जा रहे हो, डोमिनम या स्ट्रॉमैन करी जा रहे हो, रेड हेयरिंग करी जा, इधर से उधर जाई जा रहे हो. ठीक है, ये फैलेसीज जो इसके अंदर लिखी हुई है, इसको आप बेशक पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेगा, लेकिन हम लोग करेंगे इसको कवर. स्लिपरी स्लोप्स, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ना डिबेट को अनप्रोडक्टिव कर देती हैं आपकी. अगर आप ये सारी हरकतें करोगे कि आप स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दोगे, या आप एड होमिनम अटैक्स करना शुरू कर दोगे, तो आपकी डिबेट जो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी. ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनको पता लग जाएगा कि ये तो सिर्फ जो है ना यहाँ पे अगले बंदे को नीचा दिखाने आया है, या फिर अपना पॉइंट प्रूव करने आया है, इसके पास कोई लॉजिक नहीं है. ओपन माइंडेडनेस, स्टबर्न नहीं होना. जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप ही सही हो, यू नीड टू सी कि हाँ दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स भी ठीक हो सकते हैं. तो आप ओपन माइंड के साथ आपने वहां पे बैठना है कि आज मैं गलत भी हो सकता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि हर पॉइंट मेरा सही है ऐसे नहीं हो सकता. एक्नॉलेजिंग बायस, बायस एक्नॉलेजिंग जो होती है ना वो ये होती है, एक मिनट ये चैट, बायस एक्नॉलेजिंग ये होती है कि आपने, आपको पता है कि हर बंदा बायस होता है. ठीक है, एवरी वन इज हैज बायसेस, एंड एक्नॉलेजिंग देम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिबेट हाइजीन. आपको पता है कि किसका क्या रिलीजन है, क्या बैकग्राउंड है, वो बायस होगा ही होगा. हम लोग खुद भी बायस हैं, ठीक है, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बात करेंगे, जो भी जो मर्जी हो जाए, हमें पता है. और अगला बंदा इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, हमने अगले बंदे की बायसेस को रिस्पेक्ट करना है. तो वी नीड टू, हमें एक्नॉलेज भी करना है उसको, और उसको समझना है कि वो कहाँ से आ रहा है. उसको कभी भी उसकी इंटेंशन को या उसकी बायस को जज नहीं करना, ठीक है, हमने जज नहीं करना कि क्योंकि ये बायस है इस वजह से ऐसे कह रहे हैं. ये जजमेंट का फैक्टर जो है ना अपने अंदर से निकालना है हमने. इसको कैसे निकालते हैं या कहाँ पे, जब हम ये वीडियोज के क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ना, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये पॉइंट भी आएंगे कि कहाँ पे वी नीड टू एक्नॉलेज इट. कंक्लूडिंग graciously. अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है ना, अगर आपने कोई डिबेट करके ओपन एंडेड छोड़ दी ना, कभी भी दरवाजे नहीं बंद करने अगले बंदे के लिए कि वो कहीं जो है ना उसको रास्ता ही ना मिले उसके बाद आपके पास वापस आने का. हमेशा जब डिबेट ख़त्म होगी तो आपने शुक्र अदा करके अगले बंदे को
अच्छे नोट के ऊपर जो है ना वो छोड़ते हैं. ऐसे नहीं हो सकता कि अगर वाकई में अगला बंदा बिल्कुल ही जो है ना बदतमीजी भी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करने किसी के लिए भी. ऑलवेज यू नो क्लोज इट विद ओपन हार्ट, चाहे आप जीते हो चाहे आप हारे हो. ठीक है, तो ये चीज जो है ना ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना आपको फायदा देती है. हो सकता है अगर कभी हम किसी से डिबेट कर रहे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है बहुत दफा ऐसा कि आप अगला बंदा नहीं समझ रहा, उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन आप फिर वहां पे डिबेट छोड़ भी देते हो. कभी कभी आप कहते हो कोई बात नहीं, यू गिव टाइम. वो कहीं से घूम घुमा के कभी साल दो साल भी आके जो बाद आके जब उसको चीज समझ आती है कहीं से, अल्लाह ताला उसको कहीं और से वो चीज जो है ना समझा देता है या मुझे समझा देता है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आई गो बैक टू दैट पर्सन एंड आई से के यू नो, लेकिन अगर बहुत बुरी टर्म्स पे वो चीज खत्म हुई हो, बात खत्म हुई हो, तो आप जाते हुए भी झिझकते हो. तो ये चीज भी आप लोगों ने जो है ना ये अच्छी हाइजीन की एक पॉइंट है. हम और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इसके इंशाल्लाह इन फ्यूचर. एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ. मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, बल्कि हैं, यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ. किसी का कोई क्वेश्चन है बहुत छोटा प्रिसाइज, तो बस 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं. Assalamualaikum. One more thing that I noticed that in hygiene, I think the well attired and representative person is also a part of hygiene, no? Presentation of your attire? I mean, he should be well attired and representative. Well, that depends na, ki aap kabhi kabhi random bhi to aapki argumentation start ho jati hai na. अब जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हो या डिबेट के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके जा रहे हो. अब नबी पाक सल्लम के कुर्तों पे पैबंद भी लगे होते थे, मतलब पैबंद भी लगे होते थे, तो उनका वैसे उनके आर्गुमेंट्स पे तो कोई असर नहीं था. नहीं, पैबंद लगे होते थे. एक तो ये बात है कि पैबंद लगे होते थे, एक बात ये है कि वो क्लीन होते थे. ठीक है, जी जी. मैं यहां पे अपनी जगह प्रेजेंटेशन, हां I should say here कि अगर आप अपने arguments में determined हैं तो आपका confidence जो है वो खुद ब खुद जो है rise हो जाता है. अगर जैसे आपने हानिया की बात की कि उसने अगर point कहा कि मैं अपना हिजाब जो है वो lay off करने के लिए ready हूँ, it means कि वो determined नहीं है अपने मतलब कि arguments देने में. तो जाहिर सी बात है उससे उसका confidence जो है वो low होगा. जबकि आपने जैकोस की बात confidence क्या होगा, उससे पूरी society का जो लोग oppose कर जो कह रहे हैं protest कर रहे हैं सब लोगों का जो है ना एक किस्म की आप समझ लें कि इंपैक्ट आएगा इसके इस स्टेटमेंट के ऊपर. यू शुड रियलाइज कहां बैठी हुई है, कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रही है. यहां दैट इज हम दूसरे ज्वाइन किया था उसको किया था. सॉरी, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की जो सर का कोर्स था वो क्यों लिया था? टू लर्न, ऑब्वियसली टू लर्न क्रिटिकल थिंकिंग. लेकिन कोई आपका पीछे ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कुछ सोच के तो आप आई होंगी लर्न के लिए. तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, ऑब्जेक्टिव तो यही था कि मुझे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि वी लैक मतलब आई लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन क्रिटिकल थिंकिंग. तो जब कोई चीज देखनी है वर्ल्ड व्यू ठीक करने के लिए अपना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास में सर जो टॉपिक्स ग्लोबल टॉपिक्स लेके आते हैं उससे वर्ल्ड व्यू हमारा बहुत चेंज होता है, क्लियर होता है. तो एक्सप्लोरेशन कि हमारा अपना व्यूज से राइट हो और दूसरों को भी हम करेक्ट कर सके, क्रिटिकल मकसद यही होता है. माई क्वेश्चन इज के जब मीडिया बाइस है तो हम किस तरह से कंसीडर करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक दिखाएगा. हो सकता है उन्होंने बिठाया ही हानिया को इसलिए हो ताकि वो हमें इमोशनल और हमारी दूसरी एक्सपेक्ट दिखाएंगे. हम चीज नहीं सोचेंगे, नहीं हानिया को इसलिए नहीं बिठाया हो, हानिया की क्रेडिबिलिटी आपने खुद चेक करनी है. हाँ, क्यों ना सोचे, मीडिया बाइस है यहाँ पर, मीडिया बहुत कुछ काट भी देता है. मीडिया बाइस है, देखिए मेरी बात सुने. ये चीज आपने नहीं, आपने ना
आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने उसको बिठा लिया, जरूरी नहीं है कि वहां एक ही जगह पे वो बैठी हुई है, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं इसके ऊपर। हम लोग सिर्फ डिबेट की बात कर रहे हैं। जब सब कुछ सिक्योरिटीड हो, आपको दे दिया हो एक बना के कि आपने इसी तरह से बात करनी है, ये होता है मीडिया में, वी नो, हम सब जानते हैं ये हो रहा है, तो फिर हम किस तरह से ट्रस्ट करें कि हानिया जो बोल रही हैं वो अपने ही प्रोस्पेक्टिव से बोल रही हैं, हो सकता है वो सिक्योरिटीड ही बोल रही है। नहीं करना ना मदिया, हमारा ये काम नहीं है कि हम उसकी इंटेंशंस देखें, हमने बस ये देखना है कि उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं कैसे नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह अपने आप को प्रिपेयर करें ना हम लोग, अगर आपको कहीं कुछ लैक लग रहा है तो प्रिपेयर अस, सॉरी, अगर हर चीज हम जज करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हम किसी को जो है ना वो प्रॉब्लम ये जज नहीं कर रही। मैं सर साहिल के साथ भी यही हुआ था ना, उन्होंने खुद ही बाद में कहा था कि मेरे क्लिप्स काटे गए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन बात ये है कि हमने यहाँ पे ये नहीं देख रहे ना, हम बस ये देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग वो सीख रहे हैं जो हमारे सामने है उसको सीख के। अस्सलाम वालेकुम जी, समझे बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी इस बारे में कि हम यहाँ पे मीडिया को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे, में हम लर्न करने बैठे हैं कि जब हमारे साथ इस तरह के सिनेरियोज हो या हमारे सामने बाकी कोई सिनेरियो हो तो हम उसको किस तरह से आपको मेरी बात ठीक है। मैं ये कहना चाह रही थी।